सो ये आप देख लीजिए, अभी हम एक पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं इंडियन गेमर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे GTA 5 में LSPD FR मॉड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपका गेम पहले से मॉड रहना चाहिए। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया, हाउ टू मॉड GTA 5, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। सो अगर आपका गेम पहले से मॉड है तो आइए आगे का स्टेप कम्प्लीट करते हैं। सो हम इस मॉड का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो ये देख लीजिए, ये दोनों हम लोग का मॉड है। हम पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ट्राई करेंगे देने का। सो अभी आपको अपना GTA 5 का डायरेक्टरी खोलना है। डायरेक्टरी खोलने के लिए आप अपने आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। सो आप देख सकते हैं मेरा GTA 5 का डायरेक्टरी खुल चुका है। सो अभी हम लोग ये LSPDFR वाला फोल्डर खोलेंगे और यहाँ से ये सब फाइल को ड्रैग करके अपने GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में ड्रॉप कर देंगे। सो अभी आप देख लीजिए मेरे में रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, तो हम रिप्लेस कर लेंगे। आपके में भी आएगा तो आप रिप्लेस कर लीजिएगा इसको। सो ये हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का दूसरा है, वापस हम लोग को बैक आ जाना है और रेज प्लगइन हुक खोलना है और यहाँ से ये सब फाइल को ड्रैग करके अपने GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में ड्रॉप कर देंगे। इसमें भी अगर आपका रिप्लेस का ऑप्शन आएगा तो आप रिप्लेस कर लीजिएगा। सो हम लोग का यहाँ तक का काम अभी तक डन हो गया है। सो अभी हम लोग को यहाँ से जाना है और यहाँ पर आपको रेज प्लगइन हुक का एप्लीकेशन दिख रहा होगा, आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा, कंपैटिबिलिटी और रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका टिक रहना चाहिए। सेम आपका GTA 5 लॉन्चर पे भी होना चाहिए, आप इस पर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा, कंपैटिबिलिटी आपका भी रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रहना चाहिए। ओके, सो ये दोनों के बाद अभी हम लोग वापस से नीचे चल जाएंगे और यहाँ से रेज प्लगइन हुक को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। सो ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर कुछ आएगा तो अभी आप इसको नो कर दीजिए और 5 सेकेंड वेट करिएगा तो आपका यहाँ पर टिक का ऑप्शन आएगा, अभी एक्सेप्ट। ओके, ये देख लीजिए, हम लोग का फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। सो ये देख लीजिए, ये सब आपका टिक रहना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे जितना भी ऐसा वाला आएगा नो कर दीजिएगा। ये आपको बोल रहा है कि आपके गेम का वर्जन आउटडेटेड है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। और अभी इसका पॉपअप आएगा, अभी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, हम लोग का यहाँ से प्लगइन एडवांस सेटिंग गेम सेटिंग का आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से प्लगइन पे जाएंगे, लोड ऑल प्लगइन ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करके सेव एंड लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग के जाने के बाद हम लोग का रेज प्लगइन स्टार्ट हो गया है। सो अभी हम लोग वापस से ओके कर लेंगे। अब हम लोग को अपना GTA 5 के लॉन्चर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। सो देख लीजिए, मेरा GTA 5 यहाँ पे विंडोइड मोड में खुला है। सो अभी हम लोग अपना कीबोर्ड ऑल्ट्रो प्लस टैप क्लिक कर देंगे और फिर आपको चल जाना है GTA 5 डायरेक्ट। और यहाँ पर जाने के बाद आप नीचे आ जाइएगा तो आपको ये रेज प्लगिंग हुक दिखेगा, आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लीजिए। सो अभी देख लीजिए, हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया। अभी कुछ देर में ये कंबाइन हो जाएगा अपने में देख के, रेज प्लगिंग और ये। सो यहाँ पे अभी कुछ आएगा तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। ये देख लीजिए, हम लोग का रेज प्लगइन हुक पे आ गया है, वैलिडेटिंग हुक। ये यहाँ पर अभी आपके पे ऐसा पॉपअप आएगा अभी। सो ये देख लीजिए, मेरे जहाँ पे आपका लिखाता है कि लोडिंग स्टोरी मोड, तो वहाँ पे अभी विथ रेज प्लगइन हुक आ गया है। तो हम लोग का मॉड सक्सेसफुली वर्क हो गया है। सो अब हम आपको गेम में मिलते हैं। सो भाई लोग, आप देख सकते हैं हम अपने GTA 5 में आ चुके हैं। सो अभी आपके मैप पे यहाँ पर पुलिस का मार्कर आया होगा, आप देख लीजिए। ऐसा आपको पूरे गेम में पुलिस स्टेशन का 11 मार्कर दिखेगा। सो अभी हम लोग सबसे पास वाले के पास चल जाते हैं। ओके, सो अब हम आपको उस लोकेशन पे मिलते हैं। सो भाई लोग, आप देख सकते हैं हम अपने लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं और ये हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं। सो अभी हम लोग को इसके अंदर चल जाना है। ओके, सो यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा प्रेस ई टू इंटर द पुलिस स्टेशन एंड गो ऑन ड्यूटी। सो अभी हम लोग ई प्रेस कर लेंगे। सो
सो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा करेक्टर सेलेक्टर आ गया है, तो आप कोई भी करेक्टर इसमें ले सकते हैं। हम चूज कर लेते हैं अपना करेक्टर। सो अभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो अभी आपको अपना व्हीकल चूज करना है जिससे आप पेट्रोलिंग करेंगे, तो अभी हम अपना व्हीकल चूज कर लेते हैं। ओके सो हम अपना व्हीकल चूज कर लिए हैं, अभी हम सायरन वगैरह देख लेते हैं ऑन एक्स्ट्रा। ये देख लीजिए मेरे पीछे में कुछ ऐड हो रहा है, तो अभी हम लोग सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो ये आप देख लीजिए अभी हम एक पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं। यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे दिख रहा है यू आर ऑन ड्यूटी एज अ पुलिस ऑफिसर। ओके सो यहाँ पर अभी आपको कॉल वगैरह आएगा तो आपको उसको पिकअप करना है। ओके सो अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।